हेलो फ्रेंड्स वेलकम अगेन दिस इज नेहा फ्रेंड्स प्रीवियस वीडियोस में हमने मैंसुरेशन टॉपिक से थ्री डी ज्योमेट्री क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं थ्री डी ज्योमेट्री के बारे में डिटेल में पढ़ा उनके फॉर्मलीस देन क्वेश्चन प्रैक्टिस किए टुडे वी विल डू प्लेन फिगर्स देयर फॉर्मलेज एंड क्वेश्चन रिलेटेड टू दाम सो दीज आर द प्लेन फिगर प्लेन फिगर क्या होते हैं जो टू ज्योमेट्री टू डी में बनाए जाए यानी कि जैसे आपके सामने पेज दिखाई दे रहा है आपको जो चीजें हम पेज पे बना सकें अब देखो स्फेयर है फेयर जो है एक्चुअली में बॉल होती है और बॉल को जो है हम लोग कॉपी पेन में से नोटबुक में दिखाना मुश्किल होता है ठीक है असली में तो बॉल उठी हुई होती है ना तो देखिए रेक्टेंगल ये इनके फॉर्मलेस हैं ये आपको ध्यान रखने हैं रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है हमारे पास ये ए ये बी लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ पेरीमीटर क्या होता है टू ए प्लस बी फॉमूला क्या होता है एरिया ए बी नॉमन क्लेचर यानी कि नाम दे रखे हैं यहाँ पे ए और बी किसके लिए है लेंथ और ब्रेथ के लिए तो ये फॉर्मुलाइज आप नोट कर लीजिए हीरोन्स फॉर्मूला है ये इसको हिरोन्स फॉर्मूला कहा जाता है राइट एंगल ट्राइंगल के लिए डायरेक्ट फॉर्मुला है देखो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट एरिया निकालने का ठीक है इक्विलेटर ट्राइंगल के एरिया फार्मूला होता है रूट थ्री बाय फोर ए स्क्वायर और यहाँ पे फर्स्ट देखिए हाफ ए एच या तो इस तरीके से या इस तरीके से ए क्या है साइड है और एच क्या होता है हमारा एल्टीट्यूड होता है यहाँ पे ठीक है एल्टीट्यूड मैंने इसकी हाइट नेक्स्ट देखिए आइसोसिलेस राइट एंगल ट्रैंगल में क्या है पैरामीटर दे रखा है टू ए प्लस डी और एरिया क्या होता है हाफ ए स्क्वायर अब आइसोसिलेस राइट एंगल ट्राइंगल का क्या मतलब हुआ आइसोसिलेस का मतलब होता है फ्रेंड्स जहां पर दो साइड्स क्या हो इक्वल हो तो देखिये ए है ये भी ए है और यहाँ नाइनटी डिग्री बन रहा है और इस साइड को तो हाईपोटेनियस कहते ही है, है ना अब देखिये नेक्स्ट पेलेलोग्राम ये फिगर जिसमें क्या हो जाए रेक्टेंगल है उसको थोड़ा सा झुका दें टेढ़ा कर दें तो देखो जो क्या बनेगा हमारे पास पेलेलोग्राम आ जाएगा ठीक है पेरामीटर है टू ए प्लस बी और एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ यहाँ ए बी लिख रखा है आप ले ब्रेथ भी लिख सकते हैं एल बी तो क्या समझिए पेलेलोग्राम एंड क्वेश्चन क्वेश्चन बन गया यहाँ से आपका एक एग्जाम एक एक के लिए देखो रेक्टेंगल एंड पेलेलोग्राम का एरिया क्या होता है क्वेश्चन आ जाएगा इफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज एल बी ठीक है एल इंटू बी याद दे रखा हो टेन सेंटीमीटर स्क्वायर देन द एरिया ऑफ पेरेलोग्राम विल बी तो पेरेलोग्राम का एरिया कितना होगा तो ध्यान रखना रेक्टेंगल और पेरेलोग्राम के एरिया इक्वल होते हैं ठीक है रोमबस देखिए रोमबस क्या होता है स्क्वायर के जैसा बिल्कुल स्क्वायर जैसा दिखता है बस क्या कर दिया इसको थोड़ा सा झुका दिया टेढ़ा कर दिया है ठीक है इस तरह बैंड कर दिया तो बैंड करने के बाद जो फिगर बन गई वो क्या बन गई रोमबस रोम्बस का एरिया क्या होता है हाफ इंटू डी वन इंटू डी टू वेयर डी वन डी टू जहां पर डी वन और डी टू क्या है डायगनल हैं क्या हैं ये डायगनल डायगनल क्या होती है देखिए ये फिगर है ये क्या होती है वर्टेक्स ये क्या कहलाती है वर्टेक्स तो अपोजिट वर्टेक्स को जोड़ने वाली जो लाइन होती है उसे क्या कहते हैं डायगनल कहते हैं देखिए यहां समझिए कोई भी फिगर है ज्योमेट्री में जैसे इस तरीके से है ना यहाँ पे ये हमारे पास है क्वारिलेटर ले लिया मैंने क्वारिलेटर में कौन सा क्वारिलेटर ले लिया पैलेलोग्राम ये सॉरी रोम्बस ये क्या है रोम्बस चारों साइड इक्वल है इक्वल होने के बाद देखिए ये जो एंगल था इसके ठीक सामने वाले एंगल को जो लाइन जोड़ेगी उसे क्या कहेंगे यही क्या होगी डायगनल होगी ठीक है नेक्स्ट देखो फ्रेंड साहब क्वार्टरिलेटरल ठीक है मैं बार बार कह रही हूँ क्वार्टिलेटर तो क्वार्टिलेटरल वर्ड ध्यान रखना क्वारिलेटरल क्या होता है जिसमें क्या हो चार साइड्स हो और क्लोज फिगर होना चाहिए क्लोज फिगर जिसमें क्या हो फोर साइड्स हो क्या कहते हैं क्वारिनेटर कहते हैं और इसका फॉर्मूला देख लो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हाफ ए सी ये डायगनल ले ली एक डायगनल मल्टीप्लाय एच वन इंटू एच टू ठीक है मल्टीप्लाय एच वन प्लस एच टू ये इसका फॉर्मूला है यहां देखिए पेरीमीटर क्या होगा सम ऑफ फोर साइड चारों साइड का सम कर दो तो क्या मिल जाएगा हमें पेरीमीटर मिल जाएगा ठीक है ट्रिपीजियम देखो ट्रेपीजियम की क्या खास बात होती है देखिए क्वाड्रिलेटरल तो कैसा भी हो सकता है ठीक है ये हमने बनाया कोई भी फिगर है इस तरीके से ये क्या है क्वाड्रिलेटरल है लेकिन ट्रेपीजियम क्या होता है ऐसा क्वाड्रिलेटरल फ्रेंड यहां से अगर क्वेश्चन बन गया तो अच्छे अच्छे बच्चे घूम जाते हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन इसमें बहुत ज्यादा बन सकते हैं अगर पेपर में अगर आ जाए तो देखिए क्वेश्चन जैसे कि आप देखो मैं कहूं एवरी इज ट्रेपीजियम ए क्वाड्रिलेटरल इज ट्रपीजियम ए क्वाड्रिलेटरल क्या ट्रेपीजियम जो है ट्रेपीजियम जो है क्वारिलेटरल होता है बताइए भाई ट्रेपेजियम क्वारिलेटरल होता है यस ठीक है अब मैं कहूं क्या हरेक क्वारेटरल ट्रेपीजियम होता है तो आंसर होगा नो भाई हरेक क्वारिलेटर जरूरी नहीं है ट्रेपीजियम हो ट्रेपीजियम क्या होता है जिसमें क्या हो दो साइड तो पैरल हो ऐसा क्वारिलेटरल क्वारिलेटरल का एक टाइप जिसमें दो साइड तो पैरल है बाकी दो के बारे में कुछ नहीं कह सकते लेकिन दो पैरल होना जरूरी है इक्वल की बात नहीं की है सिर्फ पैरल की बात कह रहा है पैरल मतलब जो कभी ना मिले ठीक है ये पैरल हो गया अब देखिए, सर्कल का फॉर्मूला है सर्कल सर्कल का सर्कम फ्रेंस सर्कम फ्रेंस क्या होता है इसका पेरीमीटर जैसे इन सबके पेरीमीटर है ना ये पेरीमीटर का कॉलम है तो सर्कम फ्रेंस जो होता है सर्कल का पेरीमीटर होता है एरिया क्या होता है पाई पाईआर स्क्वायर और पाई की वैल्यू होती है ट्वेंटी टू बाई सेवन या फिर थ्री प्वाइंट वन फोर वन फोर या वन सिक्स जो यहां पे ले रखे आप वो वो ले सकते हैं नेक्स्ट देखो सेक्टर ऑफ ए सर्कल क्या है सेक्टर इससे शायद ही आपको क्वेश्चन आए पर टेंथ क्लास में टॉपिक है तो आ सकता है देखिए सर्कल है सर्कल में देखिए आपने पेरीमीटर ध्यान रखना है अगर पेरीमीटर निकालना हो तो क्या है एल प्लस टू आर एल प्लस टू आर वेर एल क्या है जहां पर एल क्या होता है हमारे पास थीटापोन थ्री सिक्सटी मल्टीप्लाई टू बाई आर और एरिया किसके कुल होता है देखो ये सेक्टर है ना देखो फ्रेंड्स सेक्टर होता है क्या पहले ये समझ लो ये सर्कल है ये सेंटर है ये दो रेडियस है ये दो रेडियस है इनके बीच का ये जो एरिया है ये क्या होता है सेक्टर होता है क्या होता है ये सेक्टर कहलाता है अब सेक्टर में देखो सेक्टर में क्या पूछा इसका वो बताओ सेक्टर का क्या बताओ पेरीमीटर तो सेक्टर का पेरीमीटर क्या हो जाएगा भाई एक तो ये आर एक ये आर और एक ये छोटा सा पोर्शन तो इसको क्या कहते हैं थीटा टू मल्टीप्लाई पाई आर प्लस आर, तो इसी को इन्होंने क्या लिखा है एल तो फॉर्मूला बन गया एल प्लस टू आर आई होप ये क्लियर होगा नेक्स्ट देखिए इसी का एरिया फाइंड आउट करना है तो सेम थिंग हो जाएगी इस पूरे का एरिया कितना होता है सर्कल का पाई पाईआर स्क्वायर उसका कौन सा हिस्सा लेना है सिर्फ जो शेड दिख रहा है तो शेडेड वाला हिस्सा कितना होगा थीटा पॉन थ्री सिक्सटी डिग्री वट इज थीटा है? थीटा इज द एंगल ये क्या है थीटा एंगल को थीटा कहते हैं थीटा पॉन थ्री सिक्सटी ठीक है ये देखिए फॉर्मूला हो गया ठीक है और सेगमेंट ऑफ ए सर्कल क्या होती है सेगमेंट क्या होती है देखो सेक्टर में से अगर मैं ये ट्राइंगल माइनस कर दू तो बचेगी वो सेगमेंट होगी यहां देखिए ये सर्कल है ये सेक्टर बना लिया हमने अब मैंने यहां से इन दोनों को जोड़ता तो ये हिस्सा जो होगा ये क्या हो गया सेगमेंट ठीक है ये सेंटर है ये रेडियस है और ये क्या थी हमारी लेंथ ऑफ आर ये एल होती है, है ना अभी देखी थी अभी हमने समझा था ये एल है और इस पूरे का एरिया कितना होता है टू पाई आर सॉरी टू पाई आर तो इसका सर्कम्फ्रेंस हो गया सर्कल का और पूरे का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर अब अगर सेगमेंट का क्या निकालना हो पेरीमीटर और सेगमेंट का क्या निकालना हो एरिया तो सेगमेंट के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा देखो ये पूरा क्या था सेक्टर सेक्टर में से क्या माइनस कर दो ये ट्रायंगल ये वाला ट्रायंगल क्या करो इस सेक्टर में से माइनस कर दो ठीक है और वैसे ही एरिया निकालना हो तो क्या करेंगे सेक्टर के एरिया में से क्या करेंगे इस ट्रायंगल का एरिया माइनस करेंगे तो ये देखिए फॉर्मूला यहां पर है ये आप डायरेक्ट लर्न कर सकते हैं अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इफ अ व्हील कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 440 meter in मीटर इन then रोटेशन the diameter ऑफ द व्हील इज क्या कह रहा है कोई व्हील है पहिया है ठीक है पहिया घूम घूम रहा है गोल और क्या क्या उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 440 मीटर वो चला कितने चक्कर काटे पूरे पूरे 20 ठीक है कितने 20 चक्कर वो गोल गोल पूरे लगाता है मान लो यहां से इस तरीके से स्टार्ट हुआ एक फिर दो फिर तीन इस तरीके से पूरे बीस चक्कर पे वो चार सौ चालीस मीटर चल लेता है देन द डायमीटर ऑफ द व्हील तो उस व्हील का डायमीटर बताओ ठीक है इसीलिए फ्रेंड्स में क्वेश्चन या थोड़ा पहले कंसेप्ट बता देती हूँ ताकि आपको क्वेश्चन में आसानी हो देखिए अब कैसे करेंगे इसको ये हमारे पास व्हील है ठीक है ये व्हील है कोई इस तरीके से ठीक है और ये इसकी रेडियस है हमें फाइंड क्या करनी है डायमीटर यानी कि यहां से यहां तक तो डायमीटर क्या होता है टू आर होता है टू टाइम्स आर ठीक है रेडियस आ गई तो डायमीटर आ जाएगी दे क्या रखा था हमें 440 मीटर चलता है 440 मीटर इसने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया कितने चक्कर लगाए 20 कितने चक्कर लगाए 20 मान लो ये देखो यहाँ से ये जमीन पे टच है एक बार पहिया घूमा फिर यहीं पे आया तो ये पूरा किसके इक्वल हुआ सरकॉम्फ्रेंस टू पाईआर के इक्वल हुआ ठीक है सर्कल जब एक बार घूमता है तो वो कितना चलेगा देखो यहां से अगर मैं इस पहिये को घुमाना शुरू करूंगी घूमते 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 मान लो ये जो पॉइंट जो मैंने इस पे निशान लगाया था दोबारा यहां आके जमीन पर टच हुआ ठीक है तो यानी कि यहां से यहां तक जितना ये चला ये किसके कुल होगा जितनी इसकी गोलाई है है ना जितना ये गोल है उतना ही तो यहां से यहां तक चलेगा तो बस हो गया मान लो एक चक्कर में वो कितना चल रहा है टू पा ऐसे ऐसे कितने चक्कर लगाए बीस टोटल कितना हो गया चार सौ चालीस बीस चक्कर पे चार सौ चालीस और एक चक्कर में कितना होता है टू पाई आर तो टू पाई आर मल्टीप्लाई ट्वेंटी इज इक्वल टू फोर हंड्रेड फोर्टी जीरो से जीरो कैंसिल आउट ठीक है टू टू जो फोर टू जो फोर ये फिर ग्यारह पे तो कितना आ गया हमारे पास इलेवन मीटर इज इक्वल टू पाई आर ठीक है फ्रेंड्स और देखो क्योंकि क्वेश्चन में हिंट दिया हुआ है कि आप पाई ये यूज करेंगे तो हम पाई की वैल्यू रख लेते हैं यहाँ पे ट्वेंटी टू अपॉन सेवन ग्यारह दो ने और ये टू अपॉन सेवन सेवन यहाँ चला गया तो रेडियस हो गई हमारे पास 2, ठीक है रेडियस कितनी आई सेवन अपॉन टू पर हमें रेडियस फाइंड नहीं करनी है क्या बताना है डायमीटर तो डायमीटर क्या फॉर्म क्या होता है डायमीटर इज इक्वल टू टू आर तो टू मल्टीप्लाई रेडियस इज सेवन अपॉन टू टू से टू कैंसिल आउट सेवन किसमें था सब कुछ मीटर में था तो इसीलिए सेवन मीटर हमारा आंसर होना चाहिए इसका तो meter, next, next, देखो वन का आंसर आ गया सेवन मीटर बी ऑप्शन नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट देखो फ्रेंड्स द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज सिक्सटीन सेंटीमीटर देन द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये स्क्वायर सॉरी स्क्वायर तो ज्यादा ही खराब बन गया ठीक है ये देखो ये स्क्वायर ठीक है स्क्वायर का पेरीमीटर कितना देखा है सिक्सटीन यानी कि पेरीमीटर क्या होता है ए ए ए ए सम ऑफ ऑल साइड्स क्या होता है हमारा पेरीमीटर यानी कि फोर ए जो है वो किसके इक्वल हो यहाँ पर फोर ए कितने स्क्वायर के इक्वल है हमारा फोर ए अब देखो फोर ए सिक्सटीन है तो ए कितना हो जाएगा सिक्सटीन बाय फोर चार चौक सोलह तो एक साइड कितनी आई चार एक साइड चार है तो एरिया फाइंड करना था एरिया क्या होता है एरिया स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर यानी कि साइड का स्क्वायर फोर मल्टीप्लाई फोर चार चौक सोलह ठीक है क्योंकि एरिया था तो यूनिट क्या होगी सेंटीमीटर स्क्वायर में होगी तो यहां पे भी सेंटीमीटर स्क्वायर पेपर में आपको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने ऑब्जेक्टिव टेस्ट देना है तो हमें तो सिंपल आंसर निकालना है जो कि आया सिक्सटीन ऑप्शन बी इसमें भी राइट हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इफ द डायग्नल ऑफ ए रेक्टेंगल इज थर्टीन सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर इज थर्टी फोर सेंटीमीटर देन इट्स एरिया विल बी डायगनल कितनी देर रखी है रेक्टेंगल की थर्टीन है पेरीमीटर कितना दे रखा है 34 फोर देन इट्स एरिया विल बी तो उसका एरिया बताओ क्या होगा तो अच्छा क्वेश्चन है देखिए इसको किस तरीके से करेंगे ये हमारे पास रेक्टेंगल है क्या दे रखी है डायगनल कितनी है 13 है ये लेंथ है और ये ब्रेथ है ठीक है फ्रेंड्स डायगनल ऑफ रेक्टेंगल इज 13 एंड पेरीमीटर इज 34 फोर पेरीमीटर दिया हुआ है तो पेरीमीटर से शुरू करते हैं पेरीमीटर क्या होता है टू एल प्लस B इज इक्वल टू हाउ मच इट इज गिवन थर्टी फोर थर्टी फोर इज गिवन तो देखो दो ठीक है तो ये सेवनटीन आ गया L प्लस बी इज इक्वल टू सेवनटीन ये एक इक्वेशन हो गई यहाँ इसको यहाँ छोड़ दो अब देखो ये तो हो गया यहाँ से जो हमें दिया था उससे हमारे पास ये आंसर आया अब दूसरा क्या दे रखा था डायगनल दिए तो हमें मालूम है रेक्टेंगल में ये एंगल कितना होता है 90. अगर ये नाइन्टी है तो ये वाला जो ट्राइंगल है ये क्या बन गया राइट एंगल ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल में कौन सी थियोरम लगती है पाइथागोरस तो देखो यहां पाइथोग एल स्क्वायर प्लस बी स्क्र एल जाएगा थर्टीन के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा ठीक है अब थर्टीन का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास वन सिक्सटी नाइन एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसे ही लिखा छोड़ दिया तो एक इक्वेशन ये आई एक इक्वेशन ई आई फ्रेंड uh, यहां पे हम लगाते हैं आइडेंटिटी क्यों लगाई यहां पे एल स्क्वायर प्लस बी स्क्र आ रहा था और यहां एल प्लस बी है तो इनको सॉल्व कैसे करें बी एल और बी दोनों दो चीज गायब हैं और हमारे पास कुछ भी नहीं दे रखा तो कैसे फाइंड आउट करेंगे क्या करेंगे देखो इसमें हम लोग स्क्वायर कर देंगे ठीक है इसमें हम लोग पूरे में स्क्वायर कर देंगे एल प्लस बी इज इक्वल टू सेवनटीन दोनों तरफ क्या ले लिया स्क्वायर स्क्वायरिंग बोथ साइड दोनों तरफ स्क्वायर लेने पर देखो फॉर्मूला बन गया क्या फॉर्मूला बना ए स्क्वायर यानी कि एल स्क् बी स्क्र प्लस टू ए बी इज इक्वल टू सेवनटीन का स्क्वायर ठीक है इसीलिए मैंने फ्रेंड यहां पे स्क्वायर किया इसको क्योंकि हमें स्क्वायर करने के बाद यहां से क्या मिल जाता एल जाता जो कि हमारे पास हम ऑलरेडी दे रखा है 169 तो देखो की वैल्यू कितनी थी 169 सिक्सटी नाइन यहाँ पे पुट कर दी प्लस टू ए बी ऐसे ही रहने दो 17 का स्क्वायर क्या होता है वो लिख लो तो 17 स्क्वायर कितना है टू ठीक है अब टू ए बी इज इक्वल टू टू नाइन माइनस वन सिक्सटी नाइन ठीक है तो कितना आ गया वन ट्वेंटी और टू ए बी कर लो यहां से इसको सॉल्व ठीक है ये छह दोनों बारह और ए बी इज इक्वल टू सिक्सटी एंड वॉट इज ए बी ए मल्टीप्लाई बी अगर मैं इसको ए मानू इसको बी मान लें यहां से ठीक है सॉरी मैंने फॉर्मूला ए प्लस बी बोल रही थी ना मुझसे ए प्लस बी लिख लिया इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर ठीक है टू यहाँ एल और बी था ना A और बी की वैल्यू हमारे पास एल बी है तो इसको एल लिखो इसको बी इसको एल इसको बी एल बी एल बी एल बी ठीक है तो एल बी यानी कि लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ कितना आई हमारे पास सिक्सटी ठीक है मीटर किस में दिया था सारा क्वेश्चन हमें तो देखिए सब कुछ हमारे पास किस में दिया हुआ था इस क्वेश्चन में थर्ड में सेंटीमीटर में है तो सिक्सटी सेंटीमीटर स्क्वायर एल इन टू बी सिक्सटी सेंटीमीटर यानी कि लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ ठीक है यहाँ पे इसको ए बी लिखा एल बी लिख लो कुछ भी कह लो ठीक है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ ये ब्रेड लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड कितना आई मल्टीप्लाई ब्रेथ आया हमारे पास कितना सेंटीमीटर स्क्वायर जो कि इसका क्या हो गया एरिया तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास ये ऑप्शन सी राइट हो जाएगा सिक्सटीन ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप द पेरामीटर ऑफ एर रॉम्बर्स इज फिफ्टी टू मीटर वाइल्ड इट्स लॉन्गर डायगनल इज ट्वेंटी फोर मीटर फाइंड इट्स अदर डायगनल क्या कह रहा है रोमबस है पेरीमीटर कितना दे रखा है फिफ्टी टू और उसकी जो एक डायगनल है वो कित, कितनी दे रखी है ट्वेंटी फोर तो कह रहा है दूसरी डायगनल बताओ तो डायरेक्ट फॉमुला लगाना है तो देखिए इस तरीके से इसका मैंने डायग्राम यहां बना लिया है ठीक है पेरीमीटर कितना दे रखा है फिफ्टी टू ये रोमबस है हर एक साइड मैंने ए मान ली हर एक साइड कितनी मान ली ए एक डायगनल कितनी दे रखी है हमें ट्वेंटी फोर और दूसरी डायगनल फाइंड आउट करनी है दूसरी डायग्नल फाइंड आउट करनी है और एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू डी वन इन डी टू यानी कि यहां से हमारे पास डायगनल आने वाली है इसमें पर ना तो एरिया है ना डायग्नल है है ना ना डायग्नल दे रखी है ना एरिया दिया हुआ है और अगर यहां से हम लोग साइड भी निकालते हैं तो भी एरिया नहीं आएगा फ्रेंड्स ये क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं होगा मैंने कह दिया डायरेक्ट होगा ये है थोड़ा सा ट्रिकी देखो किस तरीके से करेंगे देखो इसको क्या करेंगे सबसे पहले पेरीमीटर एक प्रॉपर्टी का यूज यहां होने वाला है एक प्रॉपर्टी यूज होगी जिसमें क्या है रोम्बस की डायगनल्स एक दूसरे को नाइन्टी डिग्री पे कट करती है ठीक है रोम्बस की डायगनल एक दूसरे को नाइन्टी पर काटती है ध्यान रखना तो उसी का यूज करके करेंगे देखो कैसे करना है इसको पेरीमीटर दे रखा है फिफ्टी टू पेरीमीटर कितना दिया है फिफ्टी टू यानी कि फिफ्टी टू इज फोर ए है ना समल साइड फोर ए इज इक्वल टू फिफ्टी टू ए कितना आ गया फिफ्टी टू वो फोन फोर कम चार तेरह ठीक है ए की वैल्यू यानी कि हर एक साइड कितनी आ गई थर्टीन तो ए कितनी आई हमारे पास थर्टीन नो ये वैल्यू हो गई तेरह ये कितना दे रखा था चौबीस ठीक है ट्वेंटी फोर तो डायग्नल एक दूसरे को कितने पे काटती है हाफ कर देती है ठीक है डायग्नल एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है ये बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जो टू डी ज्योमेट्री में हमें मालूम नहीं होती हम ध्यान नहीं रखते हैं लेकिन इनका यूज होता है देखिए डायग्नल जो है एक दूसरे को क्या करती है आधा आधा कर देती है ब, बाई करती है तो ट्वेंटी फोर का आधा कितना हो गया बारह ठीक है यानी कि इसका डायग्राम दोबारा बना रही हूँ हाँ यहां पे फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पर मेरे को लगता है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है ठीक है क्योंकि लेंथ ही है थोड़ा ये ए ये थर्टीन ये भी थर्टीन ये डायग्नल ये डायग्नल एक दूसरे पे कितने कितने पे काट रहे हैं एक दूसरे को नाइनटी ये, ये भी कितने पे नाइनटी ये पॉइंट ओ ये बेस हमारी ट्वेल्व और ये हमारे पास थर्टीन दे ही रखा है ये हमें मालूम नहीं है इसको एक्स मान लिया तो यहां से मैं ये एक ट्राएंगल ले लियू ठीक है एक ट्राइंगल हमने यहां से ले लिया ये और इसका नाम दे दिया ए ओ बी क्या नाम रख लिया एओ बी अब इस ट्राइंगल में देखो एक साइड थर्टीन है एक ट्वेल्व है क्योंकि हमने देखा अगर ये पूरी चौबीस थी तो इसका आधा कितना लिख लिया बारह ठीक है तो ओ बी जो है वो मेरे पास कितनी आ गई ट्वेल्व ठीक है और ए बी कितनी दे रखी है थर्टीन अब अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं ठीक है इस ट्राइंगल की बात करें छोटे से की तो ये क्या है राइट एंगल ट्राइंगल और राइट एंगल ट्राइंगल में कौन सी थ्योरम लगती है पाइथागोरस थ्योरम तो लगा दो भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्सक्र प्लस ट्वेल्व इज टू थर्टीन का स्क्वायर ठीक है फ्रेंड्स एक्स स्क् प्लस ट्वेल्व स्वयर इजिकल टू थर्टीन स्क्वायर एक्स टू थर्टीन स्क्वायर माइनस ट्वेल्व ठीक है और यहां फॉर्मुला लग गया ए प्लस बी ए माइनस बी थर्टी माइनस ट्वेल्व थर्टीन प्लस ट्वेल्व तो यहाँ एक और यहाँ पे क्या हो जाएगा तेरह और बारह कितना हो गया ये पच्चीस और यहाँ एक्स स्क्वायर तो एक्स कितना आ गया हमारे पास ट्वेंटी फाइव का क्या कर लो स्क्वायर रूट किया तो आ गया हमारे पास फाइव पॉजिटिव लेंगे नेगेटिव नहीं क्योंकि साइड की बात हो रही है तो एक्स की वैल्यू आ गई फाइव यानि कि ये पोर्शन हो गया इतना सा फाइव अगर ये फाइव है हमें फाइव नहीं फाइंड आउट करना है ठीक है देखो ऑप्शन ये देखिए एग्जाम में जो है मतलब बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए तैयार बैठे होते हैं ये देखो ऑप्शन फाइव है है ना यानी कि अगर किसी ने यहाँ पे कैलकुलेट किया जल्दी में हुआ तो ऑप्शन टिक कर देगा फाइव और गलत हो जाएगा ये तो हमारे पास क्या आई है आधी डायगनल निकली है पूरी डायगनल कितनी हो जाएगी यहां से यहां तक की ठीक है तो ये पांच था तो ये भी पांच यानी कि टोटल कितनी हो गई टेन तो डायग्नल कितनी हो जाएगी हमारी टेन मीटर की हो जाएगी ठीक है तो ऑप्शन बी इसमें राइट होगा हमारे पास इसका आंसर भी बी आया है एक क्वेश्चन और देखो लास्ट आज के लिए द डायग्नल ऑफ ए इसके बाद के क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियोस में कर लिए हैं आप वो देख सकते हैं प्लस फ्रेंड्स फिजिक्स केमिस्ट्री साइकोलॉजी एंड अदर वीडियोस यू कैन चेक द प्ले लिस्ट फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं फर्स्ट टाइम वीडियोज देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें वीडियोज आपके लिए हेल्पफुल होंगी द डायग्नल ऑफ ए स्क्वायर इज सिक्स सेंटीमीटर इट्स एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर इज स्क्वायर की क्या दिया हुआ है डायगोनल कितनी दे रखी है छे तो एरिया बताना है कितना होगा देखिए यहां पे डायग्राम बना लेते हैं ये हमारे पास क्या दे रखा है एक स्क्वायर ठीक है डायगोनल दी हुई है हाउ मच इज द डायगोनल सिक्स सेंटीमीटर सिक्स सेंटीमीटर और कहा है इसका अब एरिया बताओ क्या होगा तो देखो फ्रेंड्स स्क्वायर में चारों साइड क्या होती है इक्वल अगर ये ए है ए है ए है ठीक है चारों साइड इक्वल है एरिया का फॉर्मूला होता क्या है ए मल्टीप्लाई ए होता है ना ए स्क्वायर जो है किसका होगा एरिया स्क्वायर का तो भाई आप सोचेंगे कैसे फाइंड आउट करेंगे तो देखो डायगनल दे रखी है ना और ये एंगल फिर से क्या है नाइन्टी डिग्री तो जैसा कंसेप्ट लगा वैसा यहां लगाएंगे ये राइट एंगल ट्राइंगल है ठीक है और ये साइड ए है ये भी ए है <coughs> क्या, क्या हो जाएगा यहां पर पाइथागोरस थ्योरम लगाइए तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है ए स्क्वायर एक साइड का स्क्वायर प्लस दूसरी साइड का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दूसरी साइड किसके इक्वल हो जाएगी सिक्स का स्वायर के इक्वल हो जाएगी इन दोनों को प्लस किया टू ए स्क्वायर इज इक्वल टू सिक्स का स्क्वायर कितना होता है थर्टी सिक्स तो यहां से कैंसिल आउट हो गया अर्जुन सोलह ए स्क्वायर इज इक्वल टू एटीन आ गया तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी रूट एटीन तो देखो यहां से हमारे पास ए स्क्वायर इज इक्वल टू एटीन आया और अगर हम देखें तो ये जो स्क्वायर है इसका एरिया क्या होता है ए स्क्वायर साइड मल्टीप्लाय साइड और साइड मल्टीप्लाय साइड जब हम ये सॉल्व कर रहे थे यहां से तो उसी में हमारे पास आ गया अपने आप कितना 18 तो आप यहीं आंसर स्टॉप कर सकते हैं ऑप्शन में जहां 18 है वो आप टिक कर लीजिए तो कौन सा ऑप्शन 18 है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए तो फिफ्थ का आंसर हो जाएगा राइट right? ए ठीक है फ्रेंड्स तो ये थे आज के लिए कुछ क्वेश्चन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे आप जो टॉपिक्स करेंगे देखिए एक करना है हमने सिम्प्लीफिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सिंप्लीफिकेशन शायद शायद ही कोई एग्जाम होगा जिसमें सिम्पलीफिकेशन का पार्ट ना आए ठीक है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें ही आता है और फिर हमने करना है सर्ट्स एंड इंडेसीज सर्ट्स एंड इंडेसिज और एक मैं आपको बताऊंगी नंबर सिस्टम एक बताना है नंबर सिस्टम तो चैनल के साथ बने रहिए ठीक है देखते रहिए वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल होंगी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टेक केयर बाय बाय